बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज आई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज हैं। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में दोस्तों वैकेंसीज आई हैं। इसमें सबसे पहली पोस्ट है सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, 18वीं स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ या फिर ग्रेजुएशन कम से कम 2.5 सीजीपीए के साथ, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, एज की लिमिट 35 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस, 18वीं स्किल की ये जॉब है, मास्टर डिग्री बेस पे है दोस्तों, कम से कम सेकेंड डिवीज़न के साथ या फिर कम से कम 2.5 सीजीपीए सोशल साइंसेज में, या फिर जिन लोगों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या अकाउंटिंग या फाइनेंस या स्टैटिक्स या कॉमर्स या मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल की होगी, इन लोगों को तरजीह दी जाएगी। एज की लिमिट सेम है 35 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, 17वें स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री कम अज़ कम सेकेंड डिवीज़न के साथ या फिर ग्रेजुएट डिग्री सोशल साइंसेज में, या फिर जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या फाइनेंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एसीए या फिर एसीसीए में डिग्री हासिल किया है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। एज की लिमिट 35 साल तक। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, 17वें स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री कम अज़ कम सेकेंड डिवीज़न के साथ कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, एज की लिमिट सेम है 35 साल तक। उससे अगली पोस्ट है सीनियर ऑडिटर, 17वें स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ, 16 साल की एजुकेशन सोशल साइंस में, या फिर जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एसीसीए या आईसीएम में इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री हासिल किया है तो उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। एज की लिमिट सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑडिटर की, 16वें स्किल की ये जॉब है, बैचलर बेस पे दोस्तों कम अज़ कम सेकेंड डिवीज़न के साथ सोशल साइंसेज में, या फिर जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एसीसीए या फिर आईसीएम में डिग्री हासिल की है तो उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। एज की लिमिट 35 साल तक। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। उससे अगली पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट, 14वें स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत बैचलर कम अज़ कम सेकेंड डिवीज़न के साथ, तालीमी काबिलियत सेम है दोस्तों, एज की लिमिट भी सेम है। उससे अगली पोस्ट है एलडीसी, 9वें स्किल की ये जॉब है, इंटरमीडिएट बेस पे है कम अज़ कम सेकेंड डिवीज़न के साथ, एज की लिमिट 35 साल तक। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। नायब कासद, 4था स्केल है, मैट्रिक बेस पे है, एज की लिमिट 35 साल तक। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। सेकंड लास्ट पे दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड, 4था स्केल है, मिडिल बेस पे है, एज की लिमिट 35 साल तक। 2 वैकेंसीज हैं। लास्ट पे दोस्तों सैनिटरी वर्कर, 4था स्केल है, प्राइमरी बेस पे हैं और रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए, एज की लिमिट 35 साल तक। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आप लोगों को बताता चलूँ। आप लोगों का डोमिसाइल बलूचिस्तान का होना चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे बलूचिस्तान से। इसके अलावा गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें। आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस लेटर्स की तस्वीर लगा के विद इन 15 डेज़ के अंदर आप लोगों ने बाई पोस्ट पहुँचानी है, यानी कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2020 है। आप लोगों ने इस एड्रेस पे एप्लीकेशन भेजनी है एचआर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, शालीमार बंगलोज एयरपोर्ट रोड क्वेटा, और आप लोगों ने कुरियर के ज़रिए एप्लीकेशन भेजनी है। इसके अलावा दोस्तों शार्टलिस्टेड उम्मीदवारों को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवारों को ट्रैवल अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, पूरे बलूचिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश आए तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।